सीएम योगी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, खाद्य सामग्री के दामों को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सामग्री की जमाखोरी मुनाफाखोरी ना होने पाए, ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। नए बस अड्डों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। एक्सप्रेसवे परियोजना का काम तेज हो, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्या जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री ने आज जो बैठक की उसमें साफ तौर पर कहा है सभी डीएम को ये निर्देश दिए जाए कि जो फूड आइटम्स होते हैं खाद्य सामग्री उस पर कालाबाजारी ना हो और उस पर जो मुनाफा खोर है वो दाम ना बढ़ाएं, इसको लेकर साफ निर्देश दिए। कहा है कि इस पर नजर रखें और अगर कहीं कोई ऐसा करता है उसकी मुनाफाखोरी होती है या फिर कालाबाजारी होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इन ये जो क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इनके काम में काफी तेजी लाई जाए। साथ ही साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के जो जो प्राधिकरण है, अथॉरिटीज है, इनके कामों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। काफी महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी शिकायतें इन प्राधिकरणों को लेकर लंबित पड़ी हैं और इसीलिए अपने मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनकी समीक्षा की जाए, अगर ऐसी शिकायतें हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल, जो तमाम विकास योजनाएं हैं वो अच्छी गति से चले यही कोशिश है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। बड़ी खबर मिल रही है, बजट सत्र से पहले सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट होगा, कोरोना जांच होगी। प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने पत्र जारी कर दिया है, विधानसभा परिसर में टेस्टिंग की सुविधा होगी, सरकारी आवासों पर भी टेस्टिंग की सुविधा होगी।